हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंडरी फिजिक्स का। इसका एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टॉपिक नंबर है जी 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक का नाम है और इसको हम स्मॉल ई कैपिटल वी से जाहिर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये है क्या। ठीक है, और ये बुक ने तो जस्ट स्टार्ट कर दिया ना, हम पहले देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, देन फिर हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, आपको मैंने कहा यार जाओ बाजार जाओ और 1 kg शुगर ले आओ। आपने कहा ठीक है सर। आप गए किसी भी रेडी वाले के पास, आपने कहा यार 1 kg शुगर तो मुझे कर दे, तोल के दे दे। उसने कहा लो सर ये 1 kg शुगर है, जाओ। अच्छा, मैंने कहा यार ऐसे करो 1 kg नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 100 ग्राम। आपको पता है कि 100 ग्राम 0.1 kg है। ठीक है, यानी कि इतनी शुगर चाहिए। अब इतनी शुगर उसने ला कर दे दी आपको, चीनी है। अच्छा, मैंने कहा यार मुझे ना इतनी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जस्ट 1 ग्राम 0.01 kg, यही बनेगा 0.01 kg। उसने कहा सर ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये वाला काम और ये वाला काम आपको उस रेडी वाले से नहीं मिलेगा। मैं कहा भाई क्यों। उसने कहा सर ये वाला ना, उसके पास जो तकड़ी बट्टा है ना, उसके साथ जो मेयरिंग डिवाइस है वो 1 kg तक मेयर कर सकते, उससे ऊपर नीचे मेयर नहीं कर सकते। ये वाली जो है ये बेकरी पे आप कोई देखेंगे ना, उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा। और ये वाला ना जो बड़ा प्री साइज है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जाना चाहिए किसी सुनारे के पास या केमिस्ट्री की लेबॉरटरीज होती हैं, उसके अंदर एक छोटा सा मेयरिंग डिवाइस होता है, वो मेयर करता है। अच्छा, मैंने कहा यार तीनों में फ़र्क क्या। उसने कहा सर फ़र्क कुछ नहीं है, बस तीनों ही, ये तीनों के तीनों क्या मेजर करके दे रहे हैं आपको मैथ्स। तो फिर मैंने कहा ये चीज़ 1 kg 1 ग्राम ये क्या है। ये लेट्स सपोज इसकी जगह मैं कोर लिख देता हूँ 1 mg। ठीक है, उसने कहा ये चीज़ें हैं क्या। मैंने कहा यार ये है सारे ही सारे मैसेज, यानी कि मैथ्स का ही यूनिट है। बट ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, ये मिलीग्राम है, यूनिट ही है बट थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, मैंने कहा यार इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इतना खास को फ़र्क क्या है। उसने कहा सर देखिए, जब आप प्रीसाइज लेवल पर बात कर रहे हैं कि आपको 1 ग्राम ही शुगर चाहिए या 1 mg ही शुगर चाहिए, तो उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, आप ये यूज़ नहीं करेंगे। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है कि मैं इतनी बड़ी मेजरमेंट के लिए, इतनी छोटी मेजरमेंट के लिए इतनी बड़ी चीज़ यूज़ नहीं करूँगा। उसने कहा सर आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जब आप 1 kg चीनी लेने जाएंगे तो आपने देखा होगा तकड़ी बट्टा थोड़ा सा नीचे भी हो जाए तो वो दुकानदार कहता है चल यार कोई नहीं ले जा। ठीक है, लेकिन क्या इसी सेंस में कोई सुनारा जिसके पास गोल्ड जो सेल करता है, क्या वही सुनारा आपको 1-2 ग्राम 5 ग्राम क्या सोना एक्स्ट्रा डाल के दे देगा? कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा सर मैंने प्री साइज रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं इतनी कम वैल्यू को भी मेजर करके दूँ, पैसे लगे हैं। सेम, यानी कि आप छोटे लेवल का यूनिट इसलिए उधर यूज़ कर रहे हो कि आप मेजरमेंट को काफ़ी हद तक अच्छा रखना चाह रहे हो अपने लिए, एक छोटा यूनिट बनाया आपने सब मल्टीपल। ठीक है, सेम इधर 1 kg वाला, सेम हमारे पास इधर यही चीज़, हम इसको अब डिस्कस करेंगे किसकी सेंस में, एनर्जी की सेंस में। हुआ कुछ यूं कि एनर्जी का एक यूनिट हमने पीछे पढ़ा जूल्स, ये बड़ा यूनिट लाइक kg। अब हम एक नया यूनिट पढ़ेंगे इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या नाम बनेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो नया यूनिट होगा ये होगा तो एक एनर्जी का यूनिट, लेकिन ये छोटे लेवल पे यूनिट होगा। जब हम सुनारे की बात करते हैं वो एक्स्ट्रा नहीं देगा, तो सेम जब हमने बहुत छोटी एनर्जी को चेक करना हो तो उसके लिए अगर हम इसकी बात करें जूल्स की, तो इसके ऊपर हमें हेर फेर हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, वैल्यू गलत हो जाएगी, रिजल्ट गलत हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने एक नया यूनिट बना लिया जिसका नाम हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता है कि ये जो 1 kg है ये 100 ग्राम है। ठीक है, सॉरी 1000 ग्राम है। अब ये हमने देखना है ये कितने ग्राम के बराबर होता है या ये कितने kg के बराबर होता है। जैसे कि 1 ग्राम 0.0001 kg। अब हमने देखना है कि ये दोनों ही यूनिट है तो कौन बड़ा यूनिट है और कौन छोटा यूनिट है। वैसे तो पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी मैंने बताया कि छोटा यूनिट है, लेकिन हम चेक करते हैं भी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हों तो कितना जाउल बनता है या कितने जाउल हों तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है, ये देखना है। और ये हमने निकाला क्यों, इसकी वजह क्या बनी, वो वजह भी देखते हैं।
अब अगर मैं इधर बात करूँ ना, ये एक मेरे पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर आप में से एक बंदे ने 1 न्यूटन फोर्स लगाई और ये यहाँ से चल के इसने 1 मीटर का डिस्टेंस कर लिया, तो आपने कहा सर आपने इसके ऊपर वर्क किया जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बना, और मैंने कहा भाई कितनी बनी, उसने कहा सर वर्क होता है एफ डॉट डी, एफ 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, वैसे ही चूँकि दोनों तरफ सेम है कॉस 0 cos 0 1 हो जाएगा तो आंसर बचेगा 1 जूल। तो आपने कहा सर इसके ऊपर आपने 1 जूल वर्क किया जो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, मैंने कहा ठीक है इसका मतलब है जो वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, चलो अच्छा। अब अगर इसी चीज़ को मैं इधर बात करता हूँ, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर कोई मास पड़ा था और इस मास का जो वेट था, वेट बात कर रहा हूँ, वो 1 न्यूटन था, आपने इसे पकड़ा, पकड़ के मास इसे ले गए यहाँ पर, कितनी हाइट पर 1 मीटर हाइट पर ले गए, तो मैंने कहा आपने कितना वर्क किया, आपने कहा सर फार्मूला वही है वर्क इज इक्वल टू, लेकिन चूंकि अब आप इसे किसी हाइट पे लेके जा रहे हो फील्ड में, तो इसके अंदर वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा, अर्थ की फील्ड है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा कितना आपको सर डब्ल्यू डॉट एच, ठीक है वो हमारे पास वही आ जाएगा फार्मूला एफ डी वाला और ये एच होगा कोस 180 हो जाएगा, तो आंसर इसका भी कितना बनेगा आपको सर 1 वेट 1 न्यूटन और 1 मीटर हाइट, तो आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल, यही बनेगा। आपने कहा सर इसके अंदर आपने इसके अंदर जो चूंकि स्टोर नहीं हुई वो कन्वर्ट होगी, लेकिन इसके अंदर वर्क जब आप इसमें करोगे तो वही वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होगा, यानी कि जब आप अगेंस्ट ही फील करोगे तो आप जो वर्क करोगे वो एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। यार यहाँ पर तो मुझे ना पता लग रहा है क्या कि भाई 1 न्यूटन फोर्स है, बड़ी चीज़ है, कैलकुलेट कर सकता हूँ, 1 मीटर का डिस्टेंस है कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को इस सेंस में लिखो, इस सेंस में अब आपने कैसे लिखना है, आपने सपोज कर लो कि ये आपके पास है जी पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ये आपके पास है जी नेगेटिव चार्जेस, ठीक है ये पड़ा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है ये बिल्कुल एग्जैक्टली पॉजिटिव के साथ पड़ा हुआ था, आपको के साथ इसके ऊपर आप ये ऐसे समझ लो कि ज़मीन के ऊपर ही कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है आपने हमने पीछे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने पढ़ा था टॉपिक, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये खुद बा खुद नहीं जाएगा, आई हैव टू डू सम वर्क ऑन इट, अब मैं इसे पकड़ूंगा, पकड़ के ऐसे ऊपर लेके जाऊं, अब जब मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूं मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, मैं इसे जितना भी ऊपर लेके जा रहा हूं कुछ ना कुछ क्या हो रही है डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ये प्लेट्स एक दूसरे की इतनी करीब और ये एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल इस पर लगने वाली फोर्स इतनी छोटी है कि मुझे पता ही नहीं लग सकता कि भाई मैंने कितनी फोर्स लगाई और कितनी इसने क्या की डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क के लिए फार्मूला तो है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, लेकिन आप में से कोई बंदा आप मुझे ये नहीं बता सकता सर मैंने इसके ऊपर इतने न्यूटन फोर्स लगाए और इतना ऊपर चला गया, क्योंकि जगह भी बहुत छोटी है, ये तो इधर बड़ा करके बनाया ना, ये बहुत छोटी सी जगह, दूसरा जगह के साथ साथ ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स बहुत कम है, तो मैंने कहा यार ये बड़ा मसला हो गया यार, ये तो हम इसको फिजिकल बड़े लेवल पर तो हम कर ही नहीं सकते कैलकुलेट, इसके लिए फिर हमने क्या किया एक छोटा यूनिट बना लिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कैसे बना वो देखते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कितना इधर वर्क हो रहा है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, अब हमें पता था कि जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, हमने कहा था कि भाई आप जो भी पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to another डिवाइडेड बाई दी चार्ज, और वहाँ पर टेस्ट चार्ज हमने रखा था, ठीक है इधर हमारे पास टेस्ट चार्ज की बजाय कौन है इलेक्ट्रॉन, तो क्या आपने आपको भी ये मैंने कहा तो जो वर्क होता है वही एनर्जी का डिफरेंस होता है और इधर पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से जाहिर करेंगे, तो आप अगर इस इक्वेशन 1 में ये पुट करते हो तो आपके पास डेल यू यहाँ से किसके बराबर रहता है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू नॉट इनटू डेल वी, और यहाँ पर जो क्यू नॉट है ठीक है वहाँ पर तो हमने टेस्ट चार्ज दिया था, यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, ठीक है नेगेटिव जस्ट शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, पॉजिटिव भी ले सकते हो कोई इशू नहीं, और आपने इसे जितने भी पोटेंशियल के डिफरेंस से गुजारना है वो लिखने, लेट्स सपोज आपने इसे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारा, अब आपको पता है जब आप इसे मूवमेंट में लेके जा रहे हो तो यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में होगा और यही वर्क हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ होगा, चूंकि मूवमेंट है तो वर्क आल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल वी, यहाँ पर क्यू नॉट क्या आना है इलेक्ट्रॉन और डेल वी क्या है पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है अब वो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है सपोज हम कह लेते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है 1 वोल्ट, तो आप इधर पुट करें 1 इलेक्ट्रॉन इंटू
1V, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसके बराबर आ रहा है? काइनेटिक, और काइनेटिक मीन वर्क है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी बनी थी जब आप इसे ऊपर लेके जा रहे थे, या जब ये बिल्कुल इस जगह पर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर पहुंच गया, जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, देखो दोनों के फार्मूले सेम है, जो स्टोर हुई वो कितनी हुई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसने कहा सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितना है, यही तो देखना है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.61 × 10⁻¹⁹ कूलम। आप इधर पुट करें 1.61 × 10⁻¹⁹ कूलम, और वोल्ट की जगह 1V वैसे ही, तो आंसर बनेगा 1.61 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड वोल्ट। कूलम एंड वोल्ट इज इक्वल टू W, W के यूनिट क्या होते हैं? जाउल। तो क्या बना? 1.61 × 10⁻¹⁹ जूल्स। ठीक है, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, यानी कि इतनी कम वैल्यू हो जो उसकी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो अच्छा ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और पकड़कर आप इधर ले आए। मैंने कहा भाई कितना पोटेंशियल का डिफरेंस था प्लेट्स के? आपने कहा सर 1 वोल्ट पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी कि इसको मैं इधर कहूँगा कि वोल्ट पॉजिटिव, वोल्ट नेगेटिव, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, डेल वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इसके ऊपर जब आप करोगे तो जो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपने वर्क किया होगा वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सपोज कर लें ये भाई 2 वोल्ट था, तो आप इधर क्या करेंगे? वर्क इज इक्वल टू ई, और डेल वी की जगह क्या पुट कर देंगे? 2V। तो कितना वर्क किया होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ आ गया? अच्छा, तो अब ये देखना है कितने के बराबर है। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.61 × 10⁻¹⁹ जूल्स। आप इस वैल्यू को इधर रखें तो ये 1 जूल इधर रहेगा ये वैल्यू, तो क्या इस वैल्यू को मैं इस साइड पे लाकर ऐसे लिख सकता हूँ 1.61 × 10⁻¹⁹ मल्टीप्लाई बाई 1 × जूल्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे लिखा जा सकता है भाई? 1 इधर रहने दो तो 1 जूल ऐसे ही रहेगा, और ये वाली वैल्यू सारी की सारी इधर 1 / 1.61 × 10⁻¹⁹ ईवी ऐसे ही रहेगा। ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.2 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इज इक्वल टू 1 जूल। क्या मतलब बना के 6.2 × 10⁻¹⁸, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो सिर्फ कितने जूल बनेगा? 1 जूल, जो कि आम हालात में 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दे तो वो 1 जूल होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनर्जी। क्लियर हो गया? अब ये हमने क्यों लिया? इसकी एग्जांपल एक और भी मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर ये हमारा एटम है ना, इस एटम के अंदर ये शेल्स होंगे, ये आपको पता होगा। इस शेल्स के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता होता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी फोटोन से आने वाली चीज़ से, लेट्स सपोज हम फोटोन कह लेते हैं, किसी चीज़ से इसने एनर्जी लेकर ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो क्या इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की? मोशन की। मोशन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन चूंकि ये इतना स्मॉल डिस्टेंस है और इतनी कम फोर्स से ऊपर गया, तो जो इसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, या जब ये वापस ऊपर से नीचे आया, जो इसने एनर्जी को इमिट किया, वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उसे जाउल्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम उसे कहते हैं कि भाई इसने कितनी एनर्जी की? 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसे कन्वर्ट करो जूल्स में तो देखना ये इतनी छोटी है कि आप कहोगे सर ये इतनी छोटी है कि मैं ये रकम निगलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन हकीकत में ये 4.4 ही इतनी एनर्जी है जिससे हमें पता लग सकता है कि इसने कौन कौन से शेल्स में ट्रांजिशन की। इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने इंट्रोड्यूस करवाया छोटे लेवल की मेजरमेंट के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, ये आपको पता लग गया कि भाई 1 जूल किसके बराबर होता है? 6.2 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको कह दूं कि 1 मीटर कितने के बराबर होता है। 1 मीटर आपको कहे सर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर आल्सो इक्वल टू 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये बन गया, अब इसी तरह हम जूल्स में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूनिट्स की कन्वर्जन कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर एनर्जी का जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर इसके यूनिट
जो हमारी बुक में आंसर्स दिए हुए हैं न्यूमेरिकल्स के, उनके सबके आंसर किस सेंस में पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल्स में फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब है जब आपका आंसर जूल्स में आएगा, ऐसा यूनिट जूल्स ही है, जब जूल्स में आएगा तो आपने क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब वो देखते हैं कि हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई, हम कहेंगे भाई कि ये वन जो लिखने के बराबर है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1000, जैसे कि मैं कहूं मेरे पास 1000 या 100 मीटर है, तो ये कितने सेंटीमीटर होगा? आपको पता है बड़े यूनिट से छोटे में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आप क्या करोगे, 100 ज़रब 100, आपको कहोगे सर ये आ जाएगा 1 2 3 4 इतने सेंटीमीटर, ऐसे ही बनेगा। अब सेम यही टेक्निक हम यूज़ किधर करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। हम कहेंगे कि भाई क्या था, जैसे कि मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरा एनर्जी का जो आंसर है वो आया जी 9.6, ये आपकी एग्जांपल भी है, -19 जूल्स, ये मेरे पास है जी एनर्जी का आंसर। इसको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 जूल इसके बराबर है। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है, 1 जूल की आप वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, 9.6 × 10⁻¹⁶.2 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप जस्ट डायरेक्ट उसी आंसर को इसकी वैल्यू पे, डिजायर्ड वैल्यू जो कि हमारे पास इतनी है, इस पर क्या कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिवाइड कर दो, 9.6 × 10⁻¹⁹ जो होता है, इसको आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आप डिवाइड कर दो उसकी वैल्यू पे, वो कितनी वैल्यू है जी, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो जब आप इसे तब भी करोगे तो आंसर बनेगा 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, या इस वैल्यू 6.2 × 10⁻¹⁸ से मल्टीप्लाई कर दो, या इस 1.6 × 10⁻¹⁹ पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। फार्मूला दोनों में देखो सेम ही बन रहा है, कोई खास डिफरेंस इसमें है नहीं। तो जब आप करोगे तो आंसर ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं कन्वर्जन करना एनर्जी यूनिट्स में, ठीक है। तो हमने एनर्जी यूनिट में कन्वर्जन कर ली। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।